हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ रहो। तो गाइज, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, 7, और मैं सुबह से लेकर अभी फ्री हुई हूँ जस्ट, और अभी मैं आकर बैठी हूँ। शाम को 7, सुबह से शाम 7 बजे तक मैं ऐसे ही साफ़ सफाई कर रही थी और करवा रही थी। हमारे आए थे सफाई करने वाले भैया, तो आज पूरी हालत ख़राब हो गई है। अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी मैं फिर से नहाई हूँ, पता है, मैं नहाई हूँ और नहा के फिर मैं बैठी हूँ। तो गर्म पानी से नहा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा धुला धुला हो गया था, तो इसलिए नहा ली। और देखो, हेयर भी नहीं सूखे हैं। और साथ क्या करूँ गाइस, बहुत काम है यार, ये दिवाली है ना, बैंड बज जाती है हमारी काम करते 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 करते। तो आप सब बताओ गाइस, किस किस की सफाई हो गई? तो मैं जस्ट अभी बस नहा के आई हूँ, और क्या बताऊँ क्या बताऊँ, हालत ख़राब है। तो नींद आ रही है बड़ी तेज़, हालत है ख़राब, ठीक है, नींद आ रही है बहुत तेज़, हालत है ख़राब। तो गाइज, आप सब बताओ, आप लोगों की सफाई हो गई? तो हमारे यहाँ भी सफाई हो गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। कलर वाला आ ही नहीं रहा है, पता नहीं वो कब आएगा। तो कलर बाकी है और बाकी के साफ़ सफाई बाकी है, तो देखो कब होता है। तो गाइज, आप सब बताओ और सुनाओ। तो मैंने सोचा चलो अब मैं आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ी सी देर, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या आज सफाई करी। तो गाइज, ये सब बताओ, आप लोग कैसे हो, क्या हाल है, और ठंड कैसी पड़ने लग गई हमारे यहाँ? ठंड हल्की हल्की पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं है ठंड। तो आप सब बताना आपके यहाँ ठंड कैसे पड़ रही है, तो आप लोग भी बताना आपके यहाँ ठंड कैसे पड़ रही है। हमारे यहाँ हल्की हल्की पड़ने लग गई, और ब्लैंकेट वगैरह हम लोगों ने निकलवा लिया है। तो मैं अपने ब्लैंकेट को ना इस बार ड्राई क्लीन में दूंगी, क्योंकि मेरा ब्लैंकेट है ना, मेरे ब्लैंकेट में कुछ है ना अजीब सी स्मेल आ रही है, तो मैंने सोचा उसे एक बार ड्राई क्लीन करवा लूँ। तो गाइज, यही था हमारा काम। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, और चैनल पर जो भी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आज मैं कहीं नहीं गई, किसी की एलबी में नहीं गई, किसी के वीडियो भी वॉच नहीं की अभी तक मैंने, पता नहीं किस किस ने डाला है, अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं मैंने, और हाथ में ही नहीं लिया है मोबाइल। तो देखूंगी रात को फ्री अगर हुई तो, मुझे भी वीडियो एडिट करने हैं, कुछ नहीं किया है यार। और आज तो मैंने वीडियो भी नहीं डाला, सुबह से इतनी बिजी थी कुछ नहीं डाला, तो चलो देखेंगे क्या करते हैं। तो गाइज, आज इस रूम को मैं पूरा क्लीन कर दूंगी, ये देखो, ये रूम को मैं खाली करवा दूंगी। आज दूसरे भैया आए हैं तो ये देखो, ये खाली कर रहे हैं, ये पूरा रूम आज मैं खाली करके पूरा रूम को क्लीन करवा दूंगी एकदम अच्छे से, ताकि ये सेटिंग हो जाए पूरे अच्छे से। टाइम लगेगा 2-3, बट आज पूरा क्लीन करवा दूंगी। तो यहाँ देखो भैया आए हैं और सारी सामान चीज़ें बाहर रख रहे हैं, ये देखो। तो ये भैया भी अच्छे थे, फटाफट देखो हॉल पर सारे सामान रख दिया, और एक रूम में कितनी सारी चीज़ें थी ये देख लो। तो ये सारी चीज़ें इसी रूम में थी, तो ये देख लो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो धीरे एक एक करके सारे चीज़ों को बाहर रख देंगे, और इसी तरह से सारी चीज़ें बाहर रख देंगे, और फिर हम पूरा रूम क्लीन कर लेंगे, और वो भैया पूरा रूम ठीक कर देंगे। ये देख लो, अब यहाँ से अलमारी को साइड कर करके पूरा रूम क्लीन कर दिया जाएगा, और रूम क्लीन हो जाने के बाद फिर यहाँ मैं पूरे अलमारी को सजा दूँगी। यहाँ लोअर की जो 3 अलमारी थी ना गाइज, तो 2 अलमारी बाहर निकाल दिया है मैंने, 2 अलमारी हमारे यहाँ दुकान चली जाएगी, तो ये रूम थोड़ा सा फिर जगह बन जाएगा, तो सारी चीज़ें एक ही रूम में आ जाएगी। तो ये देखो, और कलर यहाँ किया हुआ था, तो कलर पूरा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कलर किया हुआ है। तो ये देखो, ये भैया पूरे अच्छे से रूम को क्लीन कर देंगे, और बोल भी रहे थे कि जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे, तो वही बोल रहे हैं भैया, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर देंगे पूरे अच्छे से। तो मैंने कहा भैया आप लोग अच्छे से पूरा क्लीन कर दो। तो ये देखो, ये सारे रूम को एकदम अच्छे से क्लीन कर देंगे, और इतना जाला निकला है कि क्या बताएं। ये देखो, आप देखो, ये देखो, देख रहे हो कितना जाला हो जाता है और कितनी धूल हो जाती है। और गाइज़, कभी भी 15 दिन के बाद भी अगर क्लीन करो तो भी इतना ही धूला निकलेगा, पता नहीं इतना धूला कहाँ से आता है हमारे यहाँ। ये देखो कितने सारे धूले हैं, पूरा रूम इतना कचरा निकला था कि क्या बताऊँ। तो जब तक भैया झाड़ रहे हैं, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो चलो, आज नाश्ता में क्या है, तो नाश्ता में आज मैंने बनाया था चूड़ा का पुलाव, और ये पूरी जो कल मैंने खाई थी ना 4 पूरी, तो वो पूरी थी, तो वो पूरी है एक, तो मुझे अच्छी लगती है पूरी, तो ये है, और ये है मेरा चाय। तो मैं चाय बस इतना ही लेती हूँ। तो यहाँ देख लो, मैं पूरी लेके आई हूँ, और यहाँ मैंने चूड़ा का पुलाव लिया है, तो नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ देखो पूरा रूम, यहाँ बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के 9 बजे इन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है, स्टार्ट हो गई है,
तो यहाँ देखो, और ये देखो हैंगर, कितना सुंदर सा हैंगर है ना। तो ये हैंगर मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी मम्मी या भाभी लोग लेके आई थी, तो ये हैंगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देख लो, यहाँ एक एक करके पूरे सामान को जचा देंगे अच्छे से, ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना। तो यहाँ अलमारियों को सेट कर देंगे ताकि हमारा पूरा रूम क्लीन हो जाए और हम चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट कर सके। तो यहाँ देखो, यहाँ हम सेटिंग कर रहे हैं कि कैसे रखने से कैसे अच्छा लगेगा। तो यहाँ हम इसी तरह से पूरा सेटिंग कर देंगे। तो गाइज, साफ़ सफाई में ना टाइम तो पूरा लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, और कभी इधर करो कभी उधर करो तो पूरा सेटिंग में गड़बड़ हो जाती। और ये देखो, ये बिजोरा, तो भूख लग गई काम करते करते, तो ये हम बिजोरा खा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसे हम मक्कस भी बोलते हैं, कौन आप लोग क्या बोलते हो बताना, कोई बिजोरा बोलते हैं कोई मक्कस बोलते हैं। तो ये है, और अब हो गया रात, मैंने उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की। तो रात को बच्चे खाएंगे पास्ता और मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे डोसा और झोल। तो ये देखो, पास्ता मेरा सीज गया है, और पास्ता का मैं पानी नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ देखो, इसमें मैंने टमाटर प्याज और शिमला मिर्च लिया है, और उनको थोड़ा सा सॉटे कर लिया है, और इसमें खाली काला नमक, सादा नमक और गोलकी पाउडर डालूंगी, और कुछ नहीं डालूंगी, काला नमक, सादा नमक और गोलकी पाउडर। तो ये देखो, गोलकी पाउडर ज़रा सा ही है, तो इसमें डाल देंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसमें सॉस डाल देंगे, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, और वेनेगर भी डालते हैं गाइस, बट मैंने वेनेगर डालना मैं भूल गई थी। इसमें वेनेगर भी डालते हैं तो अच्छा लगता है टेस्ट, तो वेनेगर डालना मैं भूल गई थी और मैंने डाल दिया था। तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर सॉस और सोया सॉस, और इसमें मैं डाल दूंगी पास्ता मसाला, वेनेगर जरूर डालें, मैं भूल गई थी। तो इसमें डाल देंगे और फिर हम इसमें पास्ता डाल देंगे। तो पास्ता को मैं कैसे डालूंगी देखना, मैं उसके पानी नहीं निकालती हूँ पास्ता का, और उसे मैं यहाँ डाल देंगे इस पास्ता, और उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद टेस्ट कर लेंगे, फिर और कुछ कमी होगी तो डाल देंगे। तो यहाँ मैंने पास्ता मसाला डाल दिया है, और उसके बाद इसे अच्छे से चला लो, और इसे चला लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे पास्ता। तो ये हल्का सॉटे हो गया है, तो बस इसमें हम पास्ता डाल देंगे। और पास्ता को देखो कैसे डालूंगी मैं, तो पास्ता के लिए लेंगे हम ये छोलनी, क्या बोलते हैं इसको, और इससे देखो मैं निकालूंगी, और पानी मैं नहीं स्ट्रेन नहीं करती हूँ, मतलब पास्ता को छानती नहीं हूँ, तो इस तरह से डालने से पास्ता अच्छा बन जाता है। तो पास्ता का पानी नहीं निकाल के, और इसी तरह से डायरेक्ट डाल दो, और पानी नीचे रह जाएगा बचा खुचा। तो ये देखो, मैंने डाल दिया पूरा उसी तरह से, और इसमें मैंने नमक कम था तो मैं इसमें सॉस, नमक और पास्ता मसाला और थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, थोड़ा कम था, मैंने टेस्ट किया था। और गाइज, इतनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी बनी। एक्चुअल में क्या है ना, मुझे पास्ता बनाना नहीं आता अच्छे से, बट मैंने ऐसे ही बना दिया तो बहुत अच्छी बनी। बच्चों ने शौक से खा लिया, क्योंकि दोनों बच्चों को ही खाना था, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा, वैसे ये खाते नहीं है, बट इन्होंने टेस्ट किया तो इनको अच्छा लगा, तो बहुत टेस्टी बन गया था ये। तो बस पास्ता मसाला बच्चे खा लेंगे। और यहाँ देखो, मैं बना रही हूँ अब आलू की झोल, मतलब आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, इसके साथ डोसा बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को। तो इसमें टमाटर, इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन डालेंगे, और कुछ नहीं डाला है मैंने, प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च। और ये देखो, आलू डाल के ऐसे आलू को इस तरह से फोड़ देंगे, और बस इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी मिला देंगे, तो हो गया ये। तो ये था हमारा आज का डिनर गाइस। तो यहाँ हम डोसा खा लेंगे और बच्चे लोगों ने पास्ता खा लिया, तो हमारा ये डिनर हो जाएगा। तो बस दिन भर हमारा इसी तरह से टाइम का पता नहीं चल रहा है अभी तो, साफ़ सफाई की वजह से। और यहाँ देखो, पानी डाल देंगे और इसे एकदम अच्छे से पानी डालकर 5 से 10 मिनट सिझाओ एकदम अच्छे से, तो बहुत अच्छा बनता है। ग्रेवी पतली बननी चाहिए, तो ग्रेवी पतली होगी तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, पतली ग्रेवी होनी चाहिए, और पतला पतला डोसा उतार लो तो बहुत टेस्टी लगता है, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को मसाला डोसा से ज़्यादा अच्छा ये आलू की ग्रेवी और डोसा पसंद है। और देखो, यहाँ आ गया है दोनों, आप लोगों को बाय बाय बोलने, क्योंकि अब रात हो गई है, और ये बोल रहे हैं अब हम सोएंगे। तो ये देखो, इसकी मस्ती चल रही है लड्डू की, तो ये लड्डू आप लोगों को बाय बाय बोलने के लिए आ गया है। देखो क्या मज़ा कर रहा है, और मीठी बोली हेलो बोलो तो बोलता है बाय बाय, क्योंकि रात हो गई है। अब बच्चा बोल रहा है भैया जाओ सो जाओ, मैं भी सोऊंगा। तो गाइस, आप लोग बताना आप लोगों को, देखो प्यार कर रहा है वो पिल्लो को, मीठी बोली मुझे प्यार करो तो वो पिल्लो को प्यार कर रहा है। ये देखो, तो देख रहा है कैमरा में, उसे बड़ा मज़ा आता है कैमरा में देखने में। तो गाइज़, आप लोगों को बताना आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, मैं आप लोगों के साथ मेरी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो गाइज़, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फिर मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो बाय बाय कर दो बच्चे को, मैं भी आप लोगों को बाय बाय बोल देती हूँ। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।